Hello friends, let's see next question. So in the next question, we have to expand the given polynomial in terms of x minus 2. So friends, ye question previous jaisa hi hai. Yahan pe sabse pehle hum Taylor series likhenge. So ye raha Taylor series. Ab yahan pe thoda modification hoga. Jab bhi hume x minus a ke format mein expand karna hoga, to tab tab hum ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसी स्टेप्स का फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप्स आपको एग्जाम में नहीं दिखाने, आपको स्टेप्स का जो फॉर्मूला बनेगा उसे डायरेक्टली एग्जाम में दिखाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे x माइनस ए और h की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे a, ओके। सो x की जगह x माइनस ए और h की जगह a पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा f ऑफ, अब यहाँ पर x की जगह x माइनस ए और h की जगह a पुट करें तो सम करने में मिलेगा x, एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एच की जगह क्या लिखना है ए, ओके। और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एक्स माइनस वन, और जहाँ जहाँ एच है वहाँ वहाँ ए, तो क्या मिलेगा नेक्स्ट टर्म एक्स माइनस ए एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का होल क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए। अब देखिए यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो आपको थर्ड डेरिवेटिव तक ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। आगे के सारे टर्म जीरो होंगे, अभी आपको पता चलेगा। तो देखिए एफ ऑफ एक्स में कंसिडर करूंगा 2x³, यानी जो गिवन पॉलिनोमियल है उसे, सो 2x³ प्लस 3x² माइनस 8x प्लस 7। फ्रेंड्स, अगर इसका मैं यहाँ पर डेरिवेटिव लूँ वन टाइम, देन मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6x² प्लस 6x माइनस 8। वन टाइम और डेरिवेटिव ले तो क्या आंसर मिलेगा 12x प्लस 6। वन टाइम और डेरिवेटिव ले तो क्या आंसर मिलेगा 12। और अब देखेंगे इसके बाद फोर्थ डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा, है कि नहीं। इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको यहाँ पर थर्ड डेरिवेटिव तक ही कैलकुलेट करना है। तो पॉलिनोमियल का जो भी डिग्री रहेगा आपको सिर्फ वहीं तक डेरिवेटिव लेना है। अब फ्रेंड्स, एक्स की जगह यहाँ पर हम पुट करेंगे 2, बिकॉज एक्स माइनस 2 के टर्म में एक्सपांड करना है, तो x की जगह यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे। एक चीज़ और यहाँ पर याद रखिए कि मैंने एफ ऑफ एक्स का एक्सपांशन फाइंड किया x माइनस ए के टर्म में। अब ए की जगह हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर 2, ओके। यहाँ पे अगर x माइनस 3, x माइनस 4 जो भी होता था, यहाँ पे जो भी आपको वैल्यू दी होती थी आपको ए को उससे रिप्लेस करना है। तो मैंने आपको जनरलाइज फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में डायरेक्टली लिखना है, ठीक है। सो अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ए की जगह अगर 2 पुट करते हैं तो यू विल गेट f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 प्लस x माइनस 2 एफ डैश 2 प्लस एफ डबल डैश 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, देन नेक्स्ट टर्म क्या होगा x माइनस 2 का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश 2, ठीक है। सो अब इस इक्वेशन में x की जगह 2 पुट करूँ, देन आई विल गेट एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू, x की जगह यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2³ होता है, 8 इंटू 2 कितना होगा 16, प्लस यहाँ पे x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2² 4, 4 इंटू 3 कितना होगा 12, देन माइनस x की जगह 2 पुट कीजिए तो 16 प्लस 7, तो 16 कैंसिल, 12 प्लस 7 कितना होगा 19। देन फ्रेंड्स, एफ डैश 2 कैसे फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन में x की जगह 2 पुट कीजिए, 2² 4 4 6 24, ओके। देन प्लस यहाँ पे 2 पुट कीजिए तो क्या मिलेगा 12, देन माइनस 8, सो दिस इज इक्वल टू 12 माइनस 8 कितना होता है 4, 24 प्लस 4 कितना होगा 28। सो एफ डबल डैश 2 यहाँ फाइंड करेंगे, यहाँ पे 2 पुट करेंगे 12 इंटू 2 कितना होगा 24, 24 प्लस 6 इज 30, देन नेक्स्ट एफ ट्रिपल डैश 2 कितना होगा 12। तो फ्रेंड्स, ये सारे वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे एंड आई विल गेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स क्या है, ये पॉलिनोमियल, ठीक है। एफ ऑफ 2 कितना है 19, देन प्लस x माइनस 2 इंटू एफ डैश 2 कितना है एफ डैश 2 28, प्लस एफ डबल डैश 2, एफ डबल डैश 2 कितना है 30, और डिवाइड बाय क्या है 2 फैक्टोरियल यानी 2, तो 30 बाई 2 कितना होगा 15 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट टर्म देखिए क्या है x माइनस 2 का होल क्यूब, यहाँ पे 12 पुट करेंगे एफ डबल एफ ट्रिपल डैश 2 की जगह, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6 12 से कैंसिल होगा कितना मिलेगा 2, ओके। सो ये है फाइनल एक्सपेंशन फॉर दिस क्वेश्चन। सो ये देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम।